Hi everyone, welcome back to Athav Little World. Friends, this video is fully dedicated to moms whose happiness depend on their children only. And I think to become a happy mother, first you have to become a happy woman. And friends, every woman take responsibility of their children, society, parents, household work, but in this she can't find her inner happiness because this is the toughest part in every mom's life. So how we perform this part of your job, this I will tell you in this video. So if you find this video useful, then do hit the like button and do not forget to subscribe our channel. First thing is me time. Friends, me time is that time which you spend with yourself only. मॉम्स ये वो वाला टाइम नहीं है जो आप एक एक घंटा अपनी मम्मी से फ़ोन पे बातें करने के लिए निकाल देते हैं. आई नो दैट एवरी गर्ल आफ्टर मैरिज बस यही प्रिफर करती है कि जब भी वो फ्री होती है वो एक एक घंटा अपनी मम्मी से बात करना ही ज़्यादा प्रिफर करती है. अब आप ये कई तरीके से कर सकते हैं. लाइक आपका कोई फेवरेट शो है अगर तो आप अकेले बैठ के वो देख सकते हैं. आपको बुक रीडिंग पसंद है तो आप कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं. आपको नैप लेना है किसी टाइम भी दिन में तो आप वो ले सकते हैं. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं तो आप कुछ भी अपने लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ बना के आप खा सकते हैं. बेसिकली आपको पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा आप अपने लिए निकालें जिससे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ. एंड वो टाइम आप किसी भी समय निकाल सकते हैं. अगर आपको अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हैं तो आप हाफ एन आवर तब अपने लिए निकालें और वो आधा घंटा सिर्फ आप अपने साथ ही स्पेंड करें. सो दिस इज़ बेसिकली द मी टाइम. थिंक इज मेक यू इन अ प्रायोरिटी लिस्ट. फ्रेंड्स, एज अ लेडी आपको बस यही लगता है कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें केवल बच्चों का ख्याल रखना एंड घर का काम करना, पेरेंट्स का ख्याल रखना, घर का खाना बनाना, बर्तन धोना, बस यही सब काम ही आपके इंक्लूडेड होते हैं. बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो. अगर आपको किसी दिन कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो डोंट डू दैट अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, राइट. अगर एक हफ्ते में से एक दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आज क्लीनिंग करने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ काम छोटा मोटा कोई काम होता है वो काम करने का मन नहीं कर रहा है तो डोंट डू दैट. वो टाइम आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम आप हर दिन अपने लिए ज़रूर निकालें. थर्ड थिंग इज जस्ट बी योरसेल्फ. फ्रेंड्स, यू हैव टू नो हु यू आर. एज एवरी पर्सन इज़ यूनिक, सो अप्रिशिएट हु यू आर एंड डोंट लेट अदर्स पीपल नेविगेट योर वे. लाइक एवरी अदर पर्सन गिव सजेशंस टू यू बट यू आर द वन हु डिसाइड वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ बैड. सो यस फ्रेंड, एक्चुअली अपने जो नियर वंस हैं डियर वंस हैं वही आपको सजेशन देंगे. तो टेक एवरी सजेशंस बट डिसीजन इज़ ऑलवेज योर्स कि आपको क्या करना है. Fourth thing is stay positive. Friends, it is very easy to say stay positive to someone else, but when it's your turn to stay positive, बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है. Positive रहना भी एक therapy ही है जो आपको practice से ही आती है. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई एम पॉजिटिव. नो, नोबडी इज़ पॉजिटिव इन दिस वर्ल्ड. नेगेटिविटी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाती है. बट वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट आप कितनी देर उस नेगेटिविटी में गुजार रहे हैं, राइट. आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपको बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है किसी चीज़ को लेकर, देन आई थिंक दिस थिंग वन पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ. एज अगर मैं आपको अभी बोलूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू हैव अ स्मार्टफोन इन योर हैंड. सो यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ स्मार्टफोन. हालांकि ये कोई लग्जरी नहीं है, बट इंस्टेड इस सिचुएशन में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बेसिक नीड्स भी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं. सो बिफोर गोइंग इन टू नेगेटिव थाट एंड स्टे देयर फॉर आवर्स एंड डेज, ऑलवेज थिंक वन पॉजिटिव थाट इन योर लाइफ. ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड. हम लोग हमेशा बस यही चीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और उसी की हम लिस्ट बनाते चले जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और हमेशा हम अपने को दूसरों से ही कंपेयर करते हैं. लाइक फ्रेंड्स, सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, एंड आप अपनी लाइफ को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन जो सामने वाला है उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है. शो ग्रैटिट्यूड जो भी आपके पास है, हमेशा आप उसके लिए थैंकफुल रहें. कंप्लेन करने से पहले आप हमेशा उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपके पास
अभी करंटली है. सो और आपको जो अभी तक आपको जो भगवान ने दिया है उन सब के लिए आप हमेशा थैंकफुल रहें. फिफ्थ थिंग इज फॉरगिव योरसेल्फ. फ्रेंड्स, डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ फॉर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस. लाइक एवरी सिंगल बॉडी इन दिस यूनिवर्स सम टाइम टेक्स रॉन्ग डिसीजन. मैंने ऐसे कई मदर्स को देखा है, स्पेशली जो न्यूली मदर्स होती हैं वो हमेशा अपने आप को ब्लेम ही करती रहती हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, ऐसा करती तो ऐसा हो जाता. फ्रेंड्स, एज अ मदर दिस इज़ अ चैलेंज ऑफ योर लाइफ, एंड ये जो चैलेंज है ये लाइफ टाइम अब आपकी लाइफ में रहने ही वाला है. सो डू नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, बट ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. एंड अगर आप ऐसे ही अपने को ब्लेम करती रहेंगी तो आप इतना ज़्यादा स्केयर्ड हो जाएंगी कि एक दिन आप डिसीजन लेना ही छोड़ देंगी. सो दिस इज़ नॉट गुड आई थिंक. एंड एज अ न्यूली मदर आई नो कि आपको ऐसा लगता है कि दूसरा जो है वो आपसे हमेशा ज़्यादा जानता है, बट ऐसा नहीं है. लाइक आई एम गिविंग सजेशंस टू यू, बट यू नो योर लाइफ बेटर देन मी. दूसरा आपको केवल सजेशन दे सकता है, बट आपको कितनी बातें अपनी लाइफ में फॉलो करनी है वो केवल आप ही डिसाइड कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट, यू हैव टू डू इज स्टील सम टाइम फॉर यू एंड यूज दिस टाइम फॉर योर सेल्फ ओनली. एंड मॉम्स, डू नॉट एवर थिंक दैट यू आर सेल्फिश, एज दिस इज नॉट ओनली फॉर यू बट योर फैमिली ऑल्सो. बिकॉज वेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ओनली देन यू कैन टेक केयर ऑफ अदर्स हैप्पीनेस. सो स्टे हैप्पी एंड बी अ हैप्पी वूमेन एंड ऑटोमेटिकली यू बिकम अ हैप्पी मदर. सो बाय बाय एंड टेक केयर.